क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? मैंने तो भी डांटा ही नहीं आपको है? क्यों रो रही है? पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। नहीं पहले बताओ तो मैं बंद करूँ। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो ही बताऊंगी। आप बता दो मैं बंद कर दूंगी। इडली मम्मी मुझे ना बाबू की बहुत याद आती है। मैं ना जब दुकान में जाते शाम तक खाना नहीं खाता, भूखे के भूखे काम करते, कुछ भी नहीं खाते पीते, कुछ भी नहीं करते, सीधे काम काम तो काम। सुबह मैं खाना खिला के भेजती हूँ ना, पापा का मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन वो सुबह ही खाते, शाम को खाना खाते क्यों? आप आगे होके बैठो बताओ। तो रात को आके खाते ना बेटा। रात को खाते ना, लेकिन शाम को तो उनका पेट खाली रहता है ना, मुझे उनकी चिंता होती है ना पापा की। और रात को भी वो बिना कुछ खाए पिए चले गए तो मेरे को उनकी टेंशन नहीं आएगी तो किस खाएगी? मेरी बात सुन, दुनिया की हर बच्ची को अपने पापा की टेंशन होती है। अच्छा अच्छा खाना खाएंगे ना, वो भी अंकल को सामान देना ज्यादा जरूरी था। लेकिन भूखे भूखे तो बेटा अगर अभी वो खाना खाने बैठते और उनके ग्राहक निकल जाएगा तो उनका ग्राहक चला जाएगा। वो नरेश अंकल आते ना, उनका ग्राहक बैठा है उनके दुकान पे, उनको देना तो पड़ेगा ना उनका सामान। तो मम्मा खाना खाते इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? आके खाएंगे ना। इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? मुझे बताओ ना। खाएंगे ना इंसान खाना नहीं खाएगा? वो खाना नहीं खाते? खाते वो भी खाना खाते अपने बाबू भी खाना खाएंगे। भूखे भूखे तो खा चले। ओ बाप रे, तुम खाना खिलाते हो ना, पापा नाश्ता ले जाते हैं दुकान पे। मुझे टेंशन होती है ना। ओ बाप रे, ऐसी टेंशन मुझे चिंता होती है पापा की, मैं क्या करूँ? अब मेरा स्वभाव इतना नरम है, मैं क्या करूँ? अब खराब तो कर नहीं सकती मैं। ओ बाप, इसे रोना नहीं। मैं क्या कर दूँ? पापा को आप प्यार